मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद नहीं रुक रहा पलायन। हाल ही में कुछ दिन पहले प्रदेश के मुखिया के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में किया गया, जिसमें प्रदेश के आईजी एवं सभी जिलों के एसपी को विशेष निर्देश दिया गया था कि मजदूरों का पलायन करवाने वालों पर कड़ी नजर रखें एवं विशेष कार्रवाई करें। पर मजदूर दलालों को ना तो पुलिस प्रशासन का डर है, ना ही शासन का डर है। वे निर्भय होकर मजदूरों का पलायन करा रहे हैं। 21 दिसंबर शाम 6 बजे का मामला है, जहां उड़ीसा बहेरा डीह के गोपी किशन सतनामी के द्वारा छत्तीसगढ़ के ग्राम खट्टी के मजदूरों का पलायन करवाया जा रहा था, जिसे वनोपज जांच नाका नर्रा में रोककर हमारे संवाददाता के द्वारा पूछताछ करने पर मजदूरों द्वारा भट्टा जाना स्वीकार किया गया। यहां खास बात यह है कि मजदूर जिस माल वाहक वाहन में जा रहे थे, वह वाहन ग्राम खट्टी के सरपंच पति तीरथ पटेल का वाहन है, जो कि गांव के जन प्रतिनिधि के पति है। वहीं कौशिक पटेल, जो कि वह भी गांव के जन प्रतिनिधि है, उनके द्वारा भट्टा दलाल का पूर्ण पक्ष लिया जा रहा था एवं उनके द्वारा नाका में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी एवं पत्रकार को भी ठेंगा दिखाकर माल वाहक वाहन को मजदूर समेत वापस खट्टी की ओर ले जाया गया। इस तरह के ग्राम के जन प्रतिनिधियों के द्वारा भी मजदूरों का पलायन करवाने में अप्रत्यक्ष रूप से मजदूर दलालों का साथ दिया जा रहा है। क्या इस तरह का कृत्य जन प्रतिनिधियों को शोभा देता है? वहीं इसकी सूचना कोमा खान पुलिस को भी दे दी गई थी। बहरहाल अब देखना यह है कि पुलिस और श्रम विभाग द्वारा इन पर क्या कार्रवाई किया जाता है। महासमुंद से आशीष गुप्ता, सीजी विजन टीवी।